light. तो लाइट इज सेंसेशन ऑफ, एक सेंसेशन है, ठीक है। लाइट से आप क्या कर पाते हो, किसी भी चीज को देख पाते हो। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, जिससे हम देख पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, जिससे हमें देखने में आसानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर से अंदर आते हो, बाहर धूप है, आप रूम के अंदर आते हो, आपको बिल्कुल एकदम आपकी आंखों के सामने क्या होता है, अंधेरा सा आ जाता है। अंधेरा लगता है ना थोड़ी देर के लिए। तो लाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जो ऑप्टिक्स है जो आप पढ़ने जा रहे हो, ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द लाइट। इसमें हम लाइट होगी और ऑप्टिक्स के अंदर हम जो ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स जो है ये रे ऑप्टिक्स है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। अब रे जो है, रे को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। लाइन उसके साथ क्या लगा होता है, एरो। लाइन के साथ क्या लगा होता है, एक एरो। एरो से हमें यह पता चलता है कि रे जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, और रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है। रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट भी ट्रेवल करेगी। क्लियर है? तो ये तो बात आ गई रे की। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो मैं हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो अंकिता चौधरी है, ऑब्जेक्ट मान लो मुस्कान है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो आपके हाथ में पड़ी हुई कॉपी है, पेंसिल है, पेन है। हम उसको देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उससे, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे बहुत सारी रेज निकलती हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे हर डायरेक्शन में रेज निकलेंगी, हर डायरेक्शन में। अब ये जो रेज निकलती हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर इन रेज की वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर इन रेज की वजह से, ये रेज जैसे ही हमारी आंखों पे फॉल करती हैं, हमारी आईज पे फॉल करती हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर हुई बात, सिंपल सी बात, कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है? क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, और वो रेज जैसे ही हमारी आईज पे फॉल करती हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आईज में बन जाती है। हमारी आईज के अंदर लेंसेज फिट होते हैं, हमारी आईज के अंदर लेंसेज फिट होते हैं, और जब वो लेंसेज खराब हो जाते हैं, थोड़ी सी उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा लेंसेज लगाने पड़ते हैं, जैसे मैंने लगाए हैं। वो लेंसेज अपने आप ही एडजस्ट होते हैं। कम लाइट होगी तो लेंसेज किसी और तरह से एडजस्ट होंगे, ज्यादा लाइट होगी तो लेंसेज अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं।
ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं और वो रेज हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। देयर इज नो सम पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें रेज ट्रेवल करेंगी। किसी भी चीज को हम देख पा रहे हैं इसी रीजन से देख पा रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट से, उस चीज से बहुत सारी रेज निकल रही हैं और वो रेज हमारी आईज पे फॉल कर रही है। चलते हैं आगे। अब सीधी, मैंने परसों भी डिस्कस किया था आपसे, एक जो टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नाम क्या बोल रहा है इसका। अब रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके घर में मिरर है, मिरर क्या होता है, सिंपल एक ग्लास होता है। ठीक है, सिंपल ग्लास में आप इधर से इधर देख पाते हो, यानी अगर कोई रे आए लाइट की तो वो रे इधर क्रॉस कर जाती है सिंपल ग्लास में, जैसे ग्लास आपके घर की विंडो में लगे होते हैं। ठीक है, उसमें रे यहां से आई, उस ग्लास को क्रॉस कर जाती है और दूसरी तरफ की चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। पर जब मिरर की बात आएगी, रे आएगी पर रे इधर क्रॉस नहीं होगी। रे जिस मीडियम से आई है उसी में वापस चली जाएगी। जिस मीडियम से रे आई है उसी मीडियम में रे वापस चली जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर क्रॉस हो जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्रॉस नहीं होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। विजिबल है ना सभी को स्क्रीन? यस सर। आई टोल्ड यू आपने बोलना नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब नया वर्ड आ गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, एक मिरर है। ठीक है, अब मिरर आप कहां यूज करते हो, ड्रेसिंग टेबल में यूज करते हो, जब आप अपनी कॉम्ब करते हो। ठीक है, वॉश बेसिन के सामने क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। तो ऐसा सरफेस जिस पर रिफ्लेक्शन हो, उस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो डेफिनेशन है आपकी उसमें
when light falls on reflecting surface, then it gets back reflected into same medium. अब बात आती है सेम सेम तो इसने बोल दिया मीडियम. अब मीडियम क्या होता है इसको भी देखते हैं. अभी आप जिस मीडियम के अंदर बैठे हो वो मीडियम है एयर. आप पानी के अंदर चले जाओ तो वो मीडियम आ गया वाटर. आपको किसी ग्लास के अंदर बंद कर दें तो मीडियम आ गया ग्लास. तो मीडियम बहुत तरह के हो सकते हैं. नॉर्मल जो मीडियम है हमारी सराउंडिंग में वो है एयर. दूसरा कॉमनली यूज्ड मीडियम आ जाता है हमारा वो आता है वाटर. और तीसरा मीडियम जो है जो नॉर्मली हम देखते हैं वो है ग्लास. और भी बहुत सारे मीडियम्स होंगे. तो आपने समझना है कि अगर डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, मीडियम, रिफ्लेक्शन, लाइट, तो ये सारी चीजें हैं क्या. तो अब मैं जो रिफ्लेक्शन है इसकी डेफिनेशन पे आता हूं. रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पे आता हूं. तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्रैम नहीं करना इसको. रे मैंने आपको बता दी. ये कोई रे ऑफ लाइट है इस सरफेस के ऊपर फॉल करी, ठीक है. यहां पे हम एक नॉर्मल बना देंगे. नॉर्मल एक ऐसा लाइन है जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री का. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है. अब ये रे जो आई ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से. जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है. अब ये रे जो आई इस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे. जो रे आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है. और जो रे अब यहां पे क्या होगा, ये रे इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकती है क्योंकि नीचे जो मैंने ये लाइंस लगाई हुई हैं ये वाली ये पॉलिश है. एक सिंपल ग्लास था उसके एक साइड मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है. तो रे इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, रे बैक चली जाएगी कुछ इस तरह से. और इक्वल जितना एंगल आई है उतना एंगल यहां पे बनाएगी आर और इधर को वापस चली जाएगी. तो ये जो एंगल आर है एंगल आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस.
ठीक है। इसी तरह से एंगल आर जो है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी, ठीक है। और ये जो रे है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो एक रे आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे, ठीक है, ये फॉल करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक चली जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक द रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आयुष, अर्जुन भाटिया, आर्यन, हरिंदर सिंह, कुणाल सैनी, मुकुल, कैमरे बंद हैं, कैमरे ऑन कर दो नहीं तो मैं निकाल रहा हूं आपको। सुमित राणा, कैमरा बंद है, ऑन कर लो इनको। या क्लास छोड़ के चले जाओ। तो बेटा स्कूल में भी आना है आपने, अभी स्कूल में क्या बुर्का डाल के आओगे? सो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस इन विच रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, लाइज ऑन सेम प्लेन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन के ऊपर हैं, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री lies on the same plane। दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ यह बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल आई, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर।
तो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। तो पहले हमें पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट आती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली। जब कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करेगी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। आगे है आपका प्लेन मिरर। आगे है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर आप अपने घरों में देखते हो, वॉश बेसिन में, ड्रेसिंग टेबल में, वहां पे कौन सा मिरर लगा होता है? प्लेन मिरर लगा होता है। अब प्लेन मिरर होता क्या है? एक नॉर्मल ग्लास जिसके एक साइड आप पॉलिश कर देते हो, रे ऑफ लाइट आएगी और भी आई, जैसे आई नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बना के चली गई। अब प्लेन मिरर की आगे है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज बताने से पहले आपको मुझे यह बताना पड़ेगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये कुछ नाम सुनोगे आप, ऑब्जेक्ट, इमेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज है जब भी हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे ऑब्जेक्ट तो आप ये वर्ड सुनोगे इरेक्ट, इन्वर्टेड। इरेक्ट होता है सीधा और इन्वर्टेड होता है उल्टा। एक और वर्ड सुनोगे आप रियल। वर्चुअल रियल मतलब असली, अब वर्चुअल को ये नहीं बोलोगे नकली, असली नहीं। हम समझेंगे कि रियल इमेज कब बनती है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट आपने याद रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है। एक और वर्ड सुनोगे आप इमेज,
मैग्निफाइड मैग्निफाइड ठीक है स्मॉलर इन साइज मैग्निफाइड मतलब बड़ा स्मॉलर का पता ही है आपको छोटा तो मैंने आपको सिक्स वर्ड्स बताए ऑब्जेक्ट इमेज जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट है स्क्रीन को देख रहे हो आप वो ऑब्जेक्ट है चाहे अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे हो चाहे मुझे देख रहे हो अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं आप इस स्क्रीन को देख रहे हो ये भी क्या एक ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज अगर ये दिख रहा है आपको तो इसका मतलब इसकी इमेज आपकी आईज के अंदर बन रही है जो आपको दिख रहा है वो इमेज है ऑब्जेक्ट मैं हूं अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो वो आपको क्या दिख रहा है मेरी इमेज दिख रही है आपको गेटिंग आपको क्या दिख रहा है मेरी इमेज दिख रही है आप कहोगे ना सर हमें तो आप दिख रहे हो नहीं मैं तो यहां हूं तो आपको जो दिख रहा है वो क्या है मेरी इमेज है ठीक है अब मैं आपको कैसा दिख रहा हूं सीधा या उल्टा आपको सीधा दिख रहा हूं ठीक है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है इरेक्ट है मैं सीधा खड़ा हूं ना मतलब ऑब्जेक्ट क्या है इरेक्ट है आपको मैं कैसा दिख रहा हूं सीधा दिख रहा हूं आप बोल सकते हो बीच में आपको मैं कैसा दिख रहा हूं चंदन सीधा दिख रहा हूं ना ठीक है इट मींस मेरी इमेज भी इरेक्ट है मेरी इमेज भी इरेक्ट है मैं सीधा खड़ा हूं और आप तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है आपको सीधा दिख रहा हूं मींस मेरी इमेज भी इरेक्ट है ठीक है अगर मैं उल्टा ये पेन है ये मैंने उल्टा सीधा ऐसे है उल्टा पकड़ा हुआ है ठीक है इसका मतलब ये पेन क्या है इन्वर्टेड है पेन क्या है इन्वर्टेड है पेन इन्वर्टेड है आपको भी कैसा दिख रहा है ये इन्वर्टेड ही दिख रहा है इसका मतलब पेन की इमेज भी इन्वर्टेड है पेन की इमेज भी क्या है इन्वर्टेड है ठीक है आगे दो वर्ड मैंने आपको बताए रियल और वर्चुअल दो वर्ड मैंने आपको सिखाए रियल और वर्चुअल मैं हूं मैं रियल हूं ये पेन है ये रियल है तो आपने ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रियल बट इसकी इमेज मे बी रियल और
वर्चुअल। इमेज रियल भी हो सकती है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है, पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? रियल होगा। तीसरी चीज, मैग्नीफाइड स्मॉलर इन साइज, कि पेन इतना छोटा सा पेन है, जब ये आपको दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा सा पेन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इट मींस पेन क्या हुआ, पेन की कैसी इमेज बनी, जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होती है? इमेज होती है। जो एक्चुअल में है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो छोटा सा पेन, अगर आपको ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पेन क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये बहुत बड़ा दिखाई देगा आपको तो ये हुआ मैग्नीफाइड। ठीक है, पेन इतना सा है आपको दिखाई दे रहा है इतना सा, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हुई, तो इसको बोलेंगे स्मॉलर इन साइज, इसको बोलेंगे स्मॉलर इन साइज। ये सिंपल बेसिक्स हैं आपकी ऑप्टिक्स के। ये चीज क्लियर होगी तो जब हम कुछ भी पढ़ेंगे आपको एकदम से समझ आएगा। ओके, तो इसलिए मैं इनके ऊपर एम्फेसाइज करता हूं कि ये चीजें अगर ये क्लियर हो, बहुत सारी चीजें हमें बीच में जाके चैप्टर के अंदर आती हैं, उस समय हम सोचते हैं ये कहां से आ गया, फिर टीचर वहां पे बताता है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई, इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट या इन्वर्टेड हो सकता है, इमेज भी इरेक्ट या इन्वर्टेड हो सकती है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज मे बी रियल और सॉरी इरेक्ट, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई चीज, ये पेन उल्टा है तो ऑब्जेक्ट उल्टा हुआ, अगर इसकी इमेज आपको उल्टी दिखाई दे रही है तो इमेज भी क्या हुई? इन्वर्टेड हुई, तो ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ में भी इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी रियल और वर्चुअल, तो ये चीज जब हम पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा रियल और वर्चुअल का क्या मतलब है। तो आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है इट इज ऑलवेज रियल, ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होगा, पर इमेज कैन बी रियल, रियल और वर्चुअल। तीसरा, मैग्नीफाइड और स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्ट छोटा है उसकी इमेज आपको बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो होगी मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट बड़ा है उसकी इमेज आपको छोटी दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो गया? स्मॉलर इन साइज। तो आज के लिए इतना ही काफी है।